आसंता 9 तारीख दिन माननीय मुख्यमंत्री मालकानगिरी निकट या एयरपोर्ट को लोकार्पण करेंगे तेणु से उद्देश्य आज विजु जनता दल एवं सरकारी समस्त सरकारी ऑफिसर मैंने आज ट्रायल शो उपस्थित रही आशा करूँ जो 30 नंबर जिला भाव ओडिशा परिचित होता मालकानगिरी जिला एक इतिहास सृष्टि हे तेणु माननीय मुख्यमंत्री सुदूरदृष्टि और समस्त प्रकार जो नूतन भाव जो योजना गुड़िक कराऊँ साधारणतः मालकानगिरी जिला को प्राधान्य सदा सर्वदा जो देखते तेणु ये जो एयरपोर्ट हूँ निश्चित भाव में मुझे कहबी मालकानगिरी जिला को सारा भारत वर्ष को संजोग करने एक सुवर्ण सुजोग मिले। हाँ हाँ, मालकानगिरी एयरपोर्ट कल हमें बताया गया कि ट्रायल लैंडिंग करना है, तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे बहुत ही खूबसूरत एयरफील्ड बनाया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया। सर और क्या प्रोसेस होगा सर, अभी जो ट्रायल रन का जो प्रोसेस है इसके बाद आगे? इसके बाद हम अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी विल टेक एब्सोल्युटली सेफ एयरफील्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम सर। इधर हाँ जी, कैसे लैंड का कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया है, अराउंड 4900 फीट की लंबाई है और एकदम सेफ एयरफील्ड है। सर आने वाले दिनों में कौन से वर्ग का विमान उतर पाएगा यहाँ पे? सर जो भी हर एयरक्राफ्ट का अपना स्पेसिफिकेशन होता है, उस हिसाब से वो उनका लैंडिंग डिस्टेंस डिसाइड होता है, तो हर एयरक्राफ्ट का अलग डिस्टेंस होता है, बट यहाँ पर जो मीडियम कैटेगरी के जेट एरोप्लेन है वो आराम से लैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अभी फिलहाल कौन सा एरोप्लेन? ये B-200 GT एरोप्लेन है, ये 7 सीटर। इसमें कितना सीटेड चल सकता है? वो डिपेंड करता है अलग अलग एरोप्लेन पे, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है उस पर।